नमस्कार, इंदौरिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं नवनिधि आपके साथ। अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मानसूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत के समर्थन में आज ग्राम खेड़ा की पूर्व सरपंच कृपा देवी वाल्मीकि की अध्यक्षता में मंडल हरसोरा में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान बात और मुख्य अतिथि अलवर उत्तर प्रभारी एवं हरियाणा सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज किसी की बपौती नहीं बल्कि आज स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में है। ऐसी वर्ग को जो है बहुत ज्यादा समाज के जो लोग हैं आप इतने जागरूक हो चुके हैं कि उसमें बहुत सी पार्टियां फॉर ग्रांटेड लेकर चलती हैं। उनको वो सोचती हैं कि इनके ऊपर तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अब जो है समाज इतना जागरूक हो चुका है, इतना समझ चुका है, उनको पता है कि उनके हित कहाँ छुपे हैं। तो जहां पर उनको अपने हित नजर आते हैं वो वहीं पर अपना वोट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी वर्ग को आगे लेकर चलता है हर जगह पर, आप अगर देखें हमारे मंत्रालय के अंदर, केंद्रीय मंत्रालय के अंदर भी सबसे ज्यादा संख्या के अंदर जो है हमारे ऐसी वर्ग के मंत्री हैं, एसटी वर्ग के मंत्री, महिला मंत्री हैं। तो सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है, कोई सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो अब हमारा जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हो चुका है, और इसलिए अब जो पार्टियां सोचती थी फॉर ग्रांटेड लेकर चलती थी कि ये तो हमारे साथ ही रहेंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एससी वर्ग जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, और अब भारी संख्या में आप यहाँ पर देखना कि वो लोग मतदान करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा मेरी पहचान, कमल सभी का निशान, देवी सिंह तो पहले ही आपका था, अब तो सिर्फ मोदी हमारी पहचान है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मानसूर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत आभारी हूं। और जिस तरह से समाज के सभी वर्गों में यहां उत्साह और उमंग है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहां ऐसे सम्मेलन हुआ है, और सम्मेलन में जिस तरह से लोगों की सहभागिता रही है, चाहे एससी मोर्चा के हमारे पदाधिकारी हो, चाहे एससी मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता बंधु हो, तो ये 5 साल के शासन में जिस तरह से प्रताड़ित, परेशान और तरह तरह के इन पर अत्याचार हुए हैं, उनसे ये मुक्त होना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनका मन बन चुका है। और आने वाले समय में कांग्रेस यहां दूर दूर तक नहीं दिखेगी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड लेकर यहां से जीतने जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जो है वो मेरे ख्याल से कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा हाल है, कोपाबाई का यहां राज हो गया है, न्याय जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं, और अन्याय जिस पर होता है उसकी कोई सुनता नहीं, ऐसे शासन से यहां पीड़ित है जनता। बाकी काम तो चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हमारे समाज का कोई भी व्यापारी वर्ग का कोई भी भाई हो, कहीं किसी पर गोली चलती है, कहीं जनप्रतिनिधियों पे गोली चलती है, कहीं हमारे ऐसे समाज की महिलाएं, बालिकाओं को उठा लिया जाता है, कहीं पर भूपछेड़ा हत्याकांड हो गया जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और उसमें यहां के जो सरकार है उसके जनप्रतिनिधि की भागीता दिखती है, तो मैं इसके कड़ी निंदा करता हूं, और इससे मुक्त होने का समय आ गया है। कांग्रेस का पाप का घड़ा यहां भर चुका है, और भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां से खिलने वाला है।